गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। मैं कविता शुक्ला इंदौर डीएलसी परिवार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हेल्थ वेल्थ और अवेयरनेस की स्टडी में आज मेरे साथ इंदौर डीएलसी परिवार से ही बहुत ही एक सिंपलेस्ट और पॉजिटिव पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं, जो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन्होंने क्या यूज किया, क्या हेल्थ के बारे में उन्होंने बेनिफिट लिया, तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है इंदौर के मिस्टर समीर पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं समीर पंडित, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पिछले 2008 से मैं डीएक्सएम के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। जी, मेरे को कई फायदे हैं इसमें, बहुत अच्छे फायदे हुए हैं। जी मैडम, और ये आपको डीएक्सएम के बारे में पता कैसे चला, किसने आपको बताया, आप कैसे इसके बारे में जानकारी हुई? मैडम, 2008 के कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर को कैंसर हुआ था, प्रोस्टेट में कैंसर था, और उसके बाद वो सब जगह ढूंढ रहा था, घूम रहा था कि कोई इसका ट्रीटमेंट मिले। जी, जो उनका जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने डॉक्टर्स ने जब कीमोथेरेपी दी, तो सेकंड कीमोथेरेपी के बाद उन्होंने बोल दिया था कि आप इनके आप घर में सेवा करो, कोई इलाज नहीं है, अब 2-2.5 महीने से ज्यादा ये बचेंगे नहीं। इन बिटवीन मेरा फ्रेंड सब जगह दोस्त को परिचित मिलते थे, उन सबसे वो बात करी, कोई बता दे कोई इलाज हो, कोई बता दे कोई इलाज हो। बट क्या हुआ कि कोई नहीं मिला। किसी ने चलते फिरते कहीं से उसको एक जानकारी मिली कि डीएक्सएम नाम की कंपनी है, उसके प्रोडक्ट से रिजल्ट्स हैं। वो डीएक्स जब उसने उसका ढूंढा, तो इंदौर से ही श्री समीर जैन साहब से उसका कांटेक्ट हुआ। समीर जैन साहब ने उसको डीएक्सएम के बारे में बताया, ये चीज है, ये है, इतना खर्चा रहेगा पर डे का, क्या आप कर सकते हैं क्या। वो उसके फादर को ठीक करना था उसको, उसने बोला जरूर करूंगा, मेरे को तो मेरे फादर चाहिए। उन्होंने क्या करा, फिर वो ट्रीटमेंट जो था वो बताया, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चालू किया। जब ट्रीटमेंट लेना चालू किया तो करीब करीब 4 महीने बाद जो मेरे जो फादर हैं वो बोलते हैं, बेटा मेरी सुस्त खत्म हो गई है, ये लिया, मैं खाता हूँ तो अच्छा लगता है। तो मेरे फ्रेंड को लगा कि यार इस कंपनी में, प्रोडक्ट में कुछ दम है। उसने काफी स्टडी करी, स्टडी करने के बाद जो टेस्टिमोनियल देखे, और उसके बाद जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, 6 महीने बाद उसी डॉक्टर के सामने खड़े थे, जो डॉक्टर ने 2.5 महीने बोल दिया था उसके सामने 6 महीने बाद खड़े थे। बाकी बची हुई कीमोथेरेपी हुई उनकी, साथ में साइमल्टेनियसली जो है डीएक्सएम के प्रोडक्ट वो यूज करते रहे, और उससे ये पोजिशन हो गई कि एक टाइम ऐसा आया कि जो कीमोथेरेपी के साथ जब फाइनल कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद उनकी पूरी रिपोर्ट्स निकाली, तो उनकी बॉडी में जो 5 जगह ट्यूमर थे, गठाने बोल सकते हैं आप उसको, वो जो ट्यूमर्स जो है वो डाइल्यूट हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। और तब हमको लगा कि नहीं, बोले इसमें इस कंपनी में दाम है। फिर हमने फिर इसका जो है काम चालू किया, जो कंटिन्यूसली आज तक कर रहे हैं। तो सर ऐसा होता है कि जनरली आपने लिया, उन्होंने लिया, पर ऐसा ह्यूमन नेचर है कि इंसान क्या है, डॉक्टरों की दवाई पे और डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट चलता है उस पे ज्यादा भरोसा रहता है, और ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें भरोसा करने के लिए बहुत माइंड को ओपन करना पड़ता है। तो कैसे उनको लगा कि नहीं यार ये लेना चाहिए मुझे? जब उन्होंने मैंने बताया आपको 4 महीने बाद जब वो टेस्टिमोनियल, वो खुद उन्होंने फादर ने जब उनको बोला, फ्रेंड को, कि बोले इसके अंदर बहुत रिजल्ट, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, तो उसने स्टडी करी उस चीज की जी। काफी स्टडी करी और उसको लगा कि बोले नहीं इसको मुझे स्प्रेड करना है वर्ल्ड, मतलब उसने उसके बाद कई लोगों को इसको रिकमेंड किया है जी। ये प्रोडक्ट कई लोग उसे जो है रेगुलरली लेते थे उस टाइम, और अभी भी कई लोग है जो उसको ले रहे हैं प्रोडक्ट को, कंज्यूम कर रहे हैं और जी रहे हैं। वो बहुत अच्छा था वो जी।
ये कह सकते हैं सर कि अगर अपना डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो एज ए सप्लीमेंट हम इस चीज को यूज करके गेनोडर्मा को हम बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी को भी आगे बढ़ने हाँ से रोक सकते हैं। तो बिल्कुल, उनको क्या, उनको जब ट्रीटमेंट दे रहे थे तो जो उनका रेगुलर ट्रीटमेंट था वो भी रहा, और साथ में जो डीएक्सएन का ट्रीटमेंट है वो भी रहा, और करीब करीब उसके बाद वो 3 साल जिंदा रहे। अरे बहुत बढ़िया सर, और मतलब वो ऑल ऑफ सडन जो है वो बीमार हुए, और 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जब वो एक्सपायर हुए कि बॉडी में कैंसर नहीं था, ये बहुत एक चीज अच्छी थी, बात है सर। बॉडी मतलब इसका हम कह सकते हैं कि इस गैनोडर्मा प्रोडक्ट की वजह से उनके बॉडी में बहुत अच्छा सुधार हुआ, और जो तकलीफ कैंसर से होती है एक पेशेंट को, तो जी उस चीज से जी वो मतलब उनको बहुत आराम मिला। तो बिल्कुल सर मैं बिल्कुल आगे ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कुछ और आपके ऐसे पर्सनल जो भी टेस्टिमोनियल आप अगर शेयर करें कि जिसमें आपको बहुत ही आश्चर्यचकित परिणाम आपको देखने को मिला हो, कुछ उसके बारे में बताएं। जैसे तो मैं इसका मतलब बहुत बड़ा पंखा हूँ, फैन बोल सकते हैं डीएक्सएन बिल्कुल प्रोडक्ट्स सर का। मेरे यहाँ मैं खुद एक टेस्टिमोनियल हूँ। जी एसिडिटी, जब हाइपर एसिडिटी होती थी तो मेरा शरीर पूरा बैक साइड से पूरा ब्लॉक हो जाता था, अकड़न जिसको बोलते हैं वो अकड़न होती जी थी। और उसके बाद जब मैंने डीएक्सएन की 2 इन 1 कॉफी पीना चालू किया तो सबसे पहले मेरा ये हुआ कि वो जो अकड़न थी वो खत्म हो गई। तो जी आदमी तो नॉर्मल कोर्स में परसेप्शन रहता है कि डॉक्टर के पास जाता है कि शरीर मेरा अकड़ गया है, अकड़ता है। डॉक्टर का ये कहना होता है कि आप पंखे के नीचे सोते हैं इसलिए आपका जो शरीर है वो अकड़ रहा है। तो जब अकड़ रहा है तो मतलब हम तो बचपन से सोते हैं पंखे के नीचे, हमारे तो बचपन से बिल्कुल अकड़ना चाहिए शरीर, लेकिन नहीं अकड़ता। क्योंकि क्या हो बिल्कुल रहा है कि वो उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो एसिडिटी होती है, वो जो एसिडिटी होती है जो हमारे शरीर में जितने जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं। जब हम बॉडी रिलैक्स करते सोते हैं तब, और जी जब हम सुबह उठते हैं तो जब वो जो चीज उठते हैं तब हम वो जब बॉडी को हम वापस से नॉर्मल मोड में लाते हैं तो जहां जहां पर वो एसिडिटी जो गैस हो सकते हैं उसको वो जो बैठी रहती है वो सब चीजें रिलीज होती है। तो शरीर का बोलता है यार अकड़ गई है। लेकिन जब मैंने डीएक्सएन की ये 2 इन 1 कॉफी पीना चालू की तो उससे जी फायदा ये मुझे ये हुआ कि जो मेरी अकड़न पहले चली गई, अकड़न जब जा चुकी थी मेरे को नॉर्मल में उठने लग गया। जब मैं सुबह उठता था तो मुझे शरीर में कोई अकड़न नहीं होती थी। उसके बाद फिर मैंने खुद के टेस्टिमोनियल करने की सोची कि जी मैं जो मुझे प्रॉब्लम पहले थी कि मैं अगर सुबह जब उठता हूँ जल्दी उठ गया और मैं सोचता था कि 10 मिनट सो लूँ और मुझे जी एसिडिटी होती थी, वही उसका ही मैंने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि क्या मैं सो के देखूं, नींद खुलने के बाद मैं 10 मिनट सो के देखता हूँ कि क्या मुझे वापस से प्रॉब्लम हो रही है क्या। लेकिन जी अचूक इसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। क्योंकि अभी भी आज की पोजिशन में ये है कि मेरी नींद खुल जाती है और मैं सो जाता हूँ, फिर नींद खुल जाती है फिर सो जाता हूँ। मतलब आज की तारीख में मुझे एसिडिटी जो है बहुत ही रेयर केस में होती है। मतलब 6 से 8 साल में कभी अरे 8 से 10 कैप्सूल टेबलेट खाई हो तो खाई हो। मतलब वाह, सोच सकते हैं कि मुझे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल गया मेरा। अरे और ये चीज ये है कि ये मैं आज भी लोगों को बताता हूँ तो ऐसा मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कॉफी पीने से। आप कॉफी पीजिए, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, अच्छी बात है। क्योंकि अच्छी चीज है अगर किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है बिना डॉक्टर के पास जाए, गोलियों के बिना, तो हमें अच्छी चीज हाँ हमेशा लोगों से शेयर करनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छा काम है, और इतना अच्छा बिल्कुल रिजल्ट ये दिया है कि मतलब अब इस पे से नहीं है कह सकते हैं। क्योंकि जो इंसान हमेशा से डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से परेशान रह रहे हैं, और उनको एक कॉफी से, क्योंकि जनरली सभी कॉफी चाय, हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना पीता हो, पर उससे कोई ऐसा हाँ फायदा नहीं देखने को मिला होगा कभी किसी को। लेकिन इस गेनोडर्मा वाली कॉफी को पी के मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि गैस की समस्या आजकल ऐसी है कि 90% लोगों को होती है मेरे हिसाब से, और वो जो जी गैस बिल्कुल फंसती सही है तो बॉडी के किसी भी हिस्से में बहुत ही भयंकर पेन होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि लोग एडमिट भी हो जाते हैं गैस की वजह से। बिल्कुल अटैक, लोग अटैक समझते हैं उस बिल्कुल, चीज पर को। ये गैस का ही जी कमाल है जो इतना आतंक मचाता है बॉडी पे।
बहुत ही अच्छा, मतलब शानदार रिजल्ट रहा आपके इस लाइफ में। हाँ सर ये जो बिल्कुल कैनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं, इनको लेने से कुछ ऐसा आपको लगा हो कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया हो, एक दिन में या 2 दिन में, तो कोई ऐसा आपके साथ हुआ वाकया कि आपको लगा हो कि आपने किसी को शेयर किया और उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्दी उनको आराम मिल गया, तो वो भी हमें बताएं आप। कई लोग जो इसके लिए मैं बताऊंगा कि ना मेरा फैमिली का बिजनेस है, उस जी बिजनेस में जो है उस बिजनेस में एक सेटअप है मेरा, हमारा उस सेटअप में ये है कि लोग, कई लोग जो काम करते हैं जो तो कस्टमर है वो उस बिजनेस के, वो कई जी लोग जो है बैठे रहते हैं, बैठ के 8-8 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, और वो अपनी लोकल चाय पीते हैं, जी जो लोकल चाय मार्केट की चाय रहती है वो चाय पीते हैं। तो जब मैं कभी शाम को जाता हूँ तो वहां पर, जब मैं शाम को उस जो मेरे बिजनेस प्लेस पे ब्लैक डीएक्सएन की चाय बनती है, तो मैं जी उन सब लोगों को बोलता हूँ कि आप भी चाय पियो, तो कई लोग पीते हैं, बोलते हैं बोले नहीं यार आपकी चाय नहीं पीना। तो मैंने उनसे पूछा भाई चाय क्यों नहीं पीना, मैंने बोला चाय पीने से तो क्या तकलीफ होती कुछ क्या, बोले हाँ तकलीफ होती, मतलब क्या तकलीफ होती, बोले आपकी चाय पीने से हमको भूख लगने लग गई है। तो मैंने बोला यार बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा चाय पीने से आज तक किसी को भूख नहीं लगती है, भूख मरती है चाय पीने से। बोले नहीं सर अभी हमने अभी 3-4 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर, और अभी की चाय पी रहे तो हमको तो बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई है, क्योंकि वो क्या होता है वो इंस्टॉलेशन करवा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का काम है तो इंस्टॉलेशन करवाने और सब आते हैं लोग, तो वो लोग जी चाय पीते, तो बोले यार हमको 3-4 दिन में ही हमको ये हो गया, पोजिशन हो गई है कि हमको तो भूख ज्यादा लगने लग गई। मैंने फिर उनको ये समझाया, बोला भाई साहब ये आपका पेट गड़बड़ था, और आप जो लोकल चाय पीते हो उस लोकल चाय पीने के बदलत आपके आतड़े जो पेट की जो है इंटेस्टाइन है वो आपकी गड़बड़ हो रही है, उस चक्कर में आपको भूख नहीं लगती। अब आप इसको रेगुलर लोगे आपका जो है एनर्जी लेवल रहेगा, जो आप 12 घंटे काम करते हो आप 14 घंटे कर पाओगे, और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बोले सर, काफी लोग जो है उससे वो इंस्पायर होके वो चाय को शिफ्ट कर गए हैं, मतलब जी 3-4 दिन के अंदर वो जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं 3-4 दिन में ही उनको चाय का फर्क मिल जाता है, क्योंकि बिल्कुल वो दिन भर बैठते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, 2 दिन इंस्टॉलेशन लग गया, ट्रेनिंग लग गई तो वो चीज होती है उनकी, और ट्रेनिंग लेने लग गया 3 दिन वो चाय पीते हैं, दिन में 3-4 बार चाय हो जाती है, उनका तो पेट इतना बढ़िया हो गया, और नींद भी अच्छी आने लग गई उनको, बोलते हैं नींद भी बिल्कुल बढ़िया आने लग गई, मिला और क्या चाहिए भैया। ये फास्ट से एक है बिल्कुल सर। जी। हाँ ये है कि जैसे ये चाय जो है अपनी, जहां तक मैंने भी जो स्टडी किया है कि अल्कलाइन है, तो जैसे जो सिटिंग जॉब वाले होते हैं उनको जनरली बैठ के ही काम करना होता है, और जो खाना जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता उसकी वजह से उनको जो एसिड का जो प्रॉब्लम हो शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ही जी अच्छा जी है। मैंने भी बहुत सारे इसके फायदे लिए हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी चाय हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक चाय के फायदे लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन अब इस चाय के हाँ फायदे लोग पी के उठा रहे हैं। तो सर जी जहां तक मेरा ये अनुभव रहा है कि इसके बारे में जो भी स्टडी हुई है, तो जो गैनोडर्मा है इससे सर इम्यूनिटी कहाँ तक इम्प्रूव हो सकती है, इसका क्या इम्यूनिटी बेहतर होता है हमारे, वो आप अगर कुछ मैं बता पाए। देखिए गैनोडर्मा जो है बेसिकली एक सेल पे काम करता है, क्योंकि बॉडी हमारा स्ट्रक्चर जो बना है वो सेल से बना हुआ है, जो बॉडी का पहला फर्स्ट जो चीज है वो सेल है, जो सेल से टिश्यू आर्गन और पूरी बॉडी बनती है। तो नॉर्मल कोर्स में जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो जो है डायरेक्ट शरीर के किसी अंग पे नहीं जाके वो सेल पे काम करता है, सेल जब मजबूत होता है, ये प्रोडक्ट यूज करने से फायदा ये हो रहा है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के सेल जो है वो मजबूत होने लग जाते हैं, और इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ने लग जाता है। इम्यून सिस्टम बढ़ने लगता है उसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा, क्या होता है कि आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है उसका सेल्स का जनरेशन रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बड़ा होते होते जाता है, जब बड़ा होता है तो सेल जनरेशन कम होता है और सेल की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जनरेशन और डिस्ट्रक्शन में जो गैप ज्यादा होने के कारण आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जल्दी उसको तकलीफ होने लग जाती है, और बीमारी उसको ग्रैप करने लग जाती है। इससे इससे बात यह होती है कि कुल मिला के कि हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने की क्षमता खत्म कर देता है, क्योंकि जी वो जैसे जैसे सेल का जनरेशन जो है वो कम रहेगा तो ऑब्वियसली
स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी बॉडी को, बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो बाहरी तत्व जो बीमारियां हैं, जो आज जैसा कोरोना जैसी बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी बहुत तेजी से उसको बॉडी पे इफेक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी, वो जब बॉडी लड़ी नहीं पाएगी तो कैसे काम करेगा आदमी, बीमार हो जाएगा, तो बैठ बन जाएगा उसका। लेकिन ये प्रोडक्ट जो डीएक्सएम के प्रोडक्ट्स है, ये बॉडी के सेल पे काम करेगा, सेल पे काम करने से क्या होगा कि बॉडी मजबूत होगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो एक आदमी अपनी हेल्दी लाइफ जी सकेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि सेल मजबूत तो हर चीज मजबूत। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो कैंसर है वो हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है और साफ सफाई करता है और उसको इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो इंसान जो है वो लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो सर आपने ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे, कोई आपका इसमें खास पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा है और वो क्यों आपका प्रोडक्ट जो है वो पसंदीदा बना, ये भी बताइए। देखिए डीएक्सएम के प्रोडक्ट तो सभी पसंदीदा है, पहली बात तो ये, इसमें कोई वो नहीं है पसंदीदा, तो मतलब डीएक्सएम के जितने प्रोडक्ट्स हैं सब मिराक्लस हैं, सभी टेस्टिमोनियल्स हैं। आज की तारीख में मेरा जो कंजम्पशन है, मैं 4 RG 4 GL और कम से कम 8 से 9 स्क्वायर में सुबह खा के निकलता हूँ, क्योंकि बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पर मुझे कहीं भी कभी भी कई ऑपरेशन में जाना पड़ता है, तो दो दो दिन तो घर नहीं आते, तो जब जाना होता है तो कई बार तो ये होता है कि जब मालूम है कि आज हमको जाना है तो सवेरे में कम से कम 10-12 स्पायर में खाके में निकल जाता हूँ, ताकि मेरी एनर्जी लेवल कहीं मुझे नहीं होने लगे। इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी मैं यूज करता हूँ, और अपन अगर ये बोलेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट नाराज हो जाएगा, भाई साहब ऐसा क्या है? ऐसा होता है ना कि कोई सा प्रोडक्ट अगर कोई बोले तो आप उस चीज के लिए मना नहीं करें, बार बार लगे कि हाँ ये मिल जाए तो मैं जरूर इसको यूज कर लो, कोई तो ऐसा होगा? मैडम ऐसा तो मैं जो है इसकी 3-in-1 कॉफी जब आप पिला दो तब पी लेते, और कोको जी उसका जो है जब खिला दो खा लेते, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी बहुत ज्यादा एग्जर्शन के कारण थक जाता हूँ, घर आता हूँ तो मेरे बालक को बोलता हूँ कि बेटा कोकोजी लाते हैं, हम दोनों बाप बेटा मिलके 1 से 2 कोकोजी के पाउच खा जाते हैं, थोड़ी देर में एनर्जी वापस नॉर्मल हो जाती है, वो चीज है। और इसका पेस्ट जो है मिराक्लस से पेस्ट को मैं कई तरीके से यूज करता हूँ, शेविंग भी कर लेता हूँ, आफ्टर शेव लोशन भी बना लेता हूँ, घाव पे लग जाता है, कहीं इचिंग हो रही तो वहां लगा लेता हूँ, मल्टीपर्पज वो यूज कर लेता हूँ। डीएक्सएन का मैं कोशिश ये करता हूँ कि डीएक्सएन का सोप ही यूज करूँ, मेरे यहाँ डीएक्सएन का सोप ही मैं यूज करता हूँ और कुछ नहीं, बाकी तो मेरे पास करीब करीब सभी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं आज की तारीख में। अभी मेरा जो छोटा बालक है वो लेमन जी चाय का दीवाना है, चाय उसको बहुत पसंद आ रही है और वो लोगों को रिकमेंड भी करता है, अभी 13 साल का वो 13 साल का है, बट वो डीएक्सएन के प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, वो 3-in-1 कॉफी रिकमेंड करता है, कोको से रिकमेंड करता है, लेमन से रिकमेंड करता है, और जैसा भी उसको लगता है वो जो भी प्रोडक्ट सामने वाला लग रहा तो वो खुद रिकमेंड करता है। इसलिए क्या है कि सभी प्रोडक्ट में दम है, तो जो सभी खाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट मेरा पसंदीदा है, पसंद है अच्छे है कि हम उस पे चूज नहीं कर सकते कि कौन सा वाला फेवरेट है, क्योंकि अपन जब क्वालिटी गिनने लगते हैं तो वो सारी चीजें अपने को सब में दिखने लगती है, तो इसे चूज कर पाना थोड़ा सा टफ है कि हम कौन सा मेरा फेवरेट है। तो सर एक आखिरी सवाल, आप जो भी डीएक्सएम के जो जेनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं यूज करते हैं, जो हमारे लोग हैं उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी इस चीज को जाने समझे और अपनी लाइफ में एक बार कम से कम यूज करें, अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करिए। बिल्कुल, देखिए आज की जो जीवन शैली है उस जीवन शैली के अनुसार हमारे को बॉडी को एक अच्छी हेल्दी रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जैसे आज कोरोना वायरस का देख ही रहे हो आप और बहुत सारे वायरसेस हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, तो डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है
उसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज करेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी करेंगे, आप हेल्दी करेंगे तो आपका परिवार हेल्दी होगा, क्योंकि सब आपसे जुड़े हुए लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सब आपसे जुड़े होने के कारण सब आप सबका ध्यान रखते हैं, तो इसलिए आप यूज करें। अब बात होती है कि सिर्फ मैं ही यूज करूं, वाइफ क्यों नहीं। मैं यहाँ पर वाइफ के लिए भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि वाइफ को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इस चीज को यूज करे, वो यूज करेगी, वो हेल्दी रहेगी, वो सबका ध्यान रखती है जी। वो ध्यान रखती है, वो सबका ध्यान रखेगी, वो भी हेल्दी होना चाहिए। वो हेल्दी रहेगी तो परिवार का एटमोसफेयर अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छी तरीके में खाने पीने में चूजी हो गए हैं और बाहर के आइटम खाते हैं, उनके डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो उनको हम यूज कराएंगे तो वो हेल्दी होंगे। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इसको आप पूरा परिवार खाएगा, पूरा घर यार खाएगा, पूरा परिवार हेल्दी रहेगा, पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। जब आप हेल्दी होगे तो आप क्या करोगे, आप दूसरों को बता पाओगे कि मैं ये कंपनी ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट यूज करने से मुझे ये फायदा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी ये प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है, आदमी कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बस यही है कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सराउंडिंग जो लोग हैं, मैं उन लोगों को बोलूँ कि आप ये प्रोडक्ट को यूज करो, इससे मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई, आपकी कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व होगी। और उनको भी ये बोलूंगा कि आप मेरे ग्रुप में हो, आपके जो दूसरा ग्रुप है आप उसको बताओ, क्योंकि ये क्या है, ये जो कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये जो है आप एक दूसरे को बताते जाएंगे, बताते जाएंगे तो प्रोडक्ट जो है अपने को आज की तारीख के हिसाब से बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट लोग लेंगे, हेल्दी रहेंगे, पूरा आप हेल्दी, आपका एटमॉस्फेयर हेल्दी हो जाएगा, आपके सराउंडिंग में लोग हेल्दी हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग के जो लोग उनके सराउंडिंग है वो लोग हेल्दी हो जाएंगे। तो मतलब ये रहेगा कुल मिला के कि आप अपने आसपास का पूरा माहौल एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर कर देंगे और हेल्दी भी एटमॉस्फेयर कर देंगे, ताकि लोग बीमार कम होंगे। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप बहुत स्ट्रांगली किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम आपको पूरी मदद करेगा और आप हेल्दी रहेंगे, आपका एटमॉस्फेयर भी आपका हेल्दी रहेगा पूरा, और आप अपने परिवार के साथ साथ समाज के भला भी करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी कि गैनोडर्मा किस तरह से हमारी बॉडी पे काम करके हमें रोगों से बचाता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, और किस तरह से हम उसको यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी हम बाहर के जो बीमारियां हमसे लड़ पाएंगे और अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो ये गैनोडर्मा के प्रोडक्ट एक बार अपने लाइफ में सभी यूज करें, उसका फायदा लें, और जैसा एक अच्छा काम होता है, एक ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा से अच्छी चीज को शेयर करते हैं, अगर आप भी चीज को शेयर करेंगे तो आपका फैमिली, आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके जो प्रियजन हैं, अगर वो भी यूज करते हैं तो वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, अपना जो हेल्थ प्रिवेंशन का जो हमारा मोटो है उसको वो पूरी तरह से सार्थक कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम किसी भी एक ऐसे ही हेल्थ टेस्टिमोनियल के साथ, हेल्थ वेल्थ और अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में। सो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट लक, थैंक यू, थैंक यू सर।